लेट्स नॉट फॉरगेट वन गुड थिंग, एक तरफ सार्क हो रहा है मनीष, और दूसरी तरफ आप जहां पर मौजूद हैं, आप अपना जरा एक बार फिर से अपनी लोकेशन बताकर एक चीज तो देखिए कि इमरान खान के बोलने के अगले दिन प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे, मतलब वी हैव लॉट टू से देन। जी हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बारी बारी से यहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊं, और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पिछली बार आपको याद होगा 2019 में हम और आप दोनों न्यूयॉर्क में थे, तब भी इमरान खान ने भाषण दिया था, प्रधानमंत्री मोदी का भाषण था। लेकिन इमरान खान के भाषण से कंपेयर ही करना बेकार है। इमरान खान क्या बोलते हैं एससीओ के समिट में हमने देख ही लिया, यूएनजीए में भी क्या बोलेंगे बस खुदा ही मालिक है उसका। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं कंपेयर करूँ यूएनजीए से, न्यूयॉर्क से और वाशिंगटन का, तो एक बार फिर हम अपने दर्शकों को दिखा दें। देखिए ये सामने में है द विलार्ड इंटरनेशनल होटल जहाँ पर प्रधानमंत्री ठहरेंगे, वहीं ठीक इसके पास इस दीवार के दूसरी तरफ है व्हाइट हाउस जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन की मुलाकात होने वाली है। और उसके लिए ये तैयारी देखिए कि व्हाइट हाउस और इस होटल के पास ये सारी बैरिकेटिंग की जा रही है, क्योंकि उन सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा अमेरिका में भी कितनी अहम है, और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई भारत और अमेरिका मिलकर कर रहा है उसमें इस विजिट का कितना महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ है कैपिटल हिल, जो मैं आपको यहां से दिखाने की कोशिश करूंगा, कैमरामैन वीरेंद्र मौर्या वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आते हैं आपके सवाल पर। देखिए यहां जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं ना, सुरक्षा व्यवस्था और तमाम चीज़ें, यही असली कंसर्न भी है। कंसर्न यह है कि दुनिया को सुरक्षा कैसे दी जाए, कंसर्न यह है कि दुनिया में शांति और समृद्धि कैसे ली जाए, खास करके तब के माहौल में जब चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो हर प्लेटफॉर्म का मिसयूज करते हैं, और सार्क भी उसी में से एक है। जब सार्क की बैठक होनी थी 2019 की बैठक में, मुझे याद है विदेश मंत्री जयशंकर वहां पर मौजूद थे, मैंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से एक सवाल किया था कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि पाकिस्तान को अपना देश तो संभल नहीं रहा है, और ऐसे में दूसरे देशों की तरफ क्यों देखते हैं, और उस पर वो तिलमिलाकर भाग गए थे, आपको याद है, हम और आप वहां पर मौजूद थे। और आज की तारीख में देखिए तो पाकिस्तान ने सार्क को जमींदोज करने की हर कोशिश की है, हर बार नए नए पैतरे हैं, नए नए बहाने। वो कहता है तालिबान का प्रतिनिधि होना चाहिए। अरे भाई जब तालिबान को अभी दुनिया के दूसरे मुल्कों ने मान्यता नहीं दी है तो उसके प्रतिनिधित्व को कैसे आप जोड़ेंगे? पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।